प्रश्न 27, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर है डीसी के। यदि कोण ए बराबर कोण बी बराबर 60 डिग्री तो अन्य कोणों की माप बताएं। तो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज इस तरह से बनता है, तो ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, दो भुजा समानांतर होता है। तो इसमें देखिए ए बी समानांतर है डीसी के, समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर होता है। तो ए बी और डीसी क्या है, समानांतर है, ए बी समानांतर है डीसी के दिया हुआ है। देखिए जिसमें ए बी समानांतर है डीसी के, तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर होता है। और दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए कोण बी बराबर है किसके बराबर है, तो 60 डिग्री के बराबर है, यानी कोण ए भी 60 डिग्री है और कोण बी भी 60 डिग्री है। तो अन्य कोणों की माप ज्ञात बताएं, यानी अन्य कोण, तो दो कोण और बच गया। देखिए ये चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें चार कोण होता है और चार भुजा होता है। ठीक है, तो दो कोण दिया हुआ है और दो कोण पूछ रहा है, तो कोण ए और कोण बी दिया हुआ है, कोण डी और कोण सी ज्ञात करना है हमें, कोण डी और कोण सी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहां पे, चूंकि चूंकि ए बी समानांतर है डीसी, ए बी किसके समानांतर है, डीसी के, अतः कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब ए बी समानांतर है डीसी के, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा। देखिए ए बी समानांतर है डीसी के और ए डी जो रेखा है, ए डी एक तिर्यक रेखा है जो दोनों समानांतर रेखाओं को काट रहा है। तो एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए ये कोण और कोण डी, यानी कोण ए और कोण डी का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है, क्योंकि दो समानांतर रेखा को ए डी, एक तिर्यक रेखा ए डी काट रहा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण ए और कोण डी का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो इस तरह लिख लेंगे। तो कोण ए कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो कोण ए की जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। कोण ए 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण डी कितना हो जाएगा, अतः कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कोण डी बराबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए 180 में से 60 डिग्री को घटा देंगे, 180 डिग्री में से 60 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री। तो 180 में से 60 घटाने पे आ जाएगा 120, तो कोण डी कितना हो गया, 120 डिग्री, यानी कोण डी हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज है यानी, तो चतुर्भुज में क्या होता है, सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री का। तो तीन कोण देखिए ज्ञात हो गया है, तो चौथा कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, 360 डिग्री में से ये तीनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे, तो चौथा कोण यानी कोण सी ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज
समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो चतुर्भुज में क्या होता है, सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्या है समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें भी चारों कोणों का योगफल कितना होगा 360 डिग्री का। तो कोण ए कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण ए दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस कोण बी भी 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण सी हमें ज्ञात करना है प्लस कोण डी हम निकाल चुके हैं, कोण डी हम कितना लाए हैं 120 डिग्री बराबर लिख देंगे 360 डिग्री। तो कोण ए 60 डिग्री है, कोण बी 60 डिग्री है, कोण सी ज्ञात करना है, कोण डी दिया हुआ है, ये कोण डी हम अभी निकाले हैं 120 डिग्री, ठीक है। तो इन चारों को जोड़ करके 360 डिग्री लिख लेंगे। अब 60 कितना होगा 120 240 यानी 240 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, अतः कोण सी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो 240 डिग्री बराबर के बायां तरफ प्लस में है तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, देखिए 6 में से 4 गया 2, शून्य में से शून्य गया, शून्य पहले लिख लेंगे उसके बाद 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1 यानी कितना आ गया 120 डिग्री। तो कोण सी आ गया 120 डिग्री और कोण डी कितना आया था 120 डिग्री। तो चारों कोण ज्ञात हो चुका है, ठीक है, कोण ए और कोण बी दिया हुआ था, कोण डी कितना आया 120 डिग्री और कोण सी भी आ गया 120 डिग्री, तो इसका उत्तर होगा 120 डिग्री और 120 डिग्री। देखिए कोण डी आ गया है 120 डिग्री, यहाँ पे कोण डी लाए थे, उसके बाद कोण सी कितना आया 120 डिग्री। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।